letters. When they take the decision, they take it collectively and not individually. So this kind of cherry picking which you keep doing, this cherry picking is completely anti-democracy. I would like to say with great respect, Mr. Speaker, sir. Having yielded, I have listened to his query. And I am pleased to respond to it because, incidentally, in his query was his answer. That is precisely what I am saying. The propriety of collective responsibility was violated by the Prime Minister when he intruded into the domain of his Home Minister. Kya adhikar tha? Grah Mantri ko Grah Mantri ke roop mein karya nahi karne diya Jammu Kashmir ke vishay mein? And that is exactly the violation of the collective responsibility. I am not yielding now. I am not yielding now. I yielded and responded. माननीय जितेंद्र सिंह जी का अंकित हो अगर नेहरू जी जम्मू कश्मीर के विषय में दखल ना देते तो ना ये बखेड़ा होता अनुच्छेद 370 का और ना ही आज बिल लाना पड़ता और ना ही पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर होता। जब भारत की सेनाएं मीरपुर तक पहुंच चुकी थी, पाकिस्तान की सेनाओं को खदेड़ा जा रहा था, तो प्रधानमंत्री ने कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी के नियम का वायलेशन करते हुए बिना अपने मंत्रिमंडल को कॉन्फिडेंस में लिए सीधा मंडी हाउस जाकर के आकाशवाणी में एक संदेश दिया कौम के नाम और कहा कि मैं यूनिलैटरल सीजफायर की घोषणा करता हूं। और अगर आज वो ना होता तो पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर आज भारत का हिस्सा होता। बहुत बढ़िया। I am not yielding now. UNO की बात की गई, This is the real history. UNO की बात की गई। जब हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी उठे इस बात का उत्तर देने के लिए, ये पूछने के लिए कि आप किस पक्ष में हैं, तो बात इन्होंने विषय बदल दिया। आप मुझे ये बताएं, जब इंस्ट्रूमेंट आप तो इतिहास पढ़ करके आए हैं, मैं समझ गया जो आपने 1846 से इतिहास सुनाया मैं उस सारा सुनाऊंगा, मैं उस 400 साल पीछे भी जाऊंगा और आज तक भी आऊंगा। आप अध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से एक बात रखना चाहता हूं। ये सच है, स्वतंत्रता के समय भारत के दो हिस्से थे, एक था ब्रिटिश इंडिया, एक था प्रिंसली इंडिया का ये हिस्सा था। और उस समय जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन हो चुका, जैसा कि माननीय मनीष तिवारी जी ने स्वयं कहा, वही इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो 550 बाकी के राजाओं ने किया था, तो फिर क्या आवश्यकता थी प्रधानमंत्री को यूएनओ में जाने के लिए? फिर तो बाकी राजवाड़ों के लिए भी यूएनओ जाते। अब अध्यक्ष महोदय मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं।